खलील जिबरान की एक रचना है अधूरा ज्ञान। एक बार की गल है, नदी किनारे चार डड्डू एक लकड़ के फट्टे उत्ते बैठे सन। अचानक पानी की तेज़ धार आई तो लकड़ के फट्टे अपने नाल ही वहा के लै गई। उस उत्ते बैठे चारे डड्डू ये वेख के बहुत खुश होए तो मौज मस्ती करन लगे, क्योंकि उन्हां लई पानी के सफर का यह तजुर्बा बिल्कुल नवा सी। काफ़ी देर बाद एक डड्डू कहन लगा, ये तो बड़ी चमत्कारी लकड़ है, इंज तैर रही है जिमें ज्यूंदी जागदी वस्तु होवे, एहो जी लकड़ पहला तो कदे नहीं वेखी। ये सुन के दूसरा बोलिया, नहीं मेरे दोस्त, ये लकड़ नहीं चल रही, सगों नदी का पानी चल रहा है ते उस दे वहा नाल ए भी तुरी जा रही है। तीसरे डड्डू ने अपने विचार पेश किते, दोस्तों तुसी दोवें गलत हो, ना तो लकड़ चल रही है ते ना ही पानी चल रहा है, ये तो साड़ी सोच है जो गतिशील है, सोच तो बिना कोई भी चीज़ गतिशील नहीं हो सकती। तिने डड्डू इस गल नू लै के आपस में बहस करन लगे कि असल विच केड़ी चीज़ गतिशील है, लकड़ पानी जां सिर्फ साड़ी सोच। उन्हां दा आपसी झगड़ा वधन लगा, उच्ची उच्ची बोलन लगे, पर आपस विच किसे गल ते सहमत ना हो सके। फिर वह चौथे डड्डू वल मुड़े जो उन्हां तिन्हां दी गलबात बड़े ध्यान नाल सुन रहा सी पर चुप सी। तिन्हां ने चुप बैठे चौथे डड्डू की राय मंगी, वह कहन लगा, दोस्तों तुसी तिन्ने ही अपनी अपनी थां ते ठीक हो, कोई भी गलत नहीं है, गतिशील लकड़ भी है, पानी भी, ते तुहाड़ी सारयां दी सोच भी। ये सुन के पहले तिन्ना डड्डूआं नू बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उन्हां तिन्ना विच्चों कोई भी ये मनन लई तैयार नहीं सी कि एक दी राय 100% सही नहीं है अते बाकी दोवें 100% गलत नहीं हन। उदों ही अचानक एक अजीबो गरीब घटना वापरी, तिन्ना डड्डूआं ने मिल के चौथे नू धक्का दे के पानी विच सुट दिता। साड़ी हालत भी पहले तीन डड्डूआं वाली है, झगड़ा भावें छोटा मोटा घरेलू झगड़ा होवे, जां दुनिया विच होण वाली कोई वड्डी जंग, जां फिर धर्म दे नाम ते नित होण वाले झगड़े, हर झगड़े दी जड़ साडा अधूरा ज्ञान ही है। कोई भी ये मनन लई तैयार नहीं है कि उसका ज्ञान अधूरा है, अते ना ही ये मनन लई कि दूसरे व्यक्ति की गल भी ठीक हो सकती है। अधूरा ज्ञान होना कोई पाप नहीं है, पर दूसरे व्यक्ति दे अधूरे ज्ञान नू मूलों नकार के अपने अधूरे ज्ञान नू जबरदस्ती किसे उत्ते थोपना जरूर तुहानू पाप दा भागी बना सकता है। अगली बार जदों किसे नाल अपने इस अधूरे ज्ञान करके झगड़दे होवो तां एक बार ठंडे दिमाग नाल इन्ना जरूर सोच लेना कि हो सकता है अद्धी पचद्धी गल उस दी भी ठीक होवे। विचार अते आवाज़ सरबजीत सिंह। अजिहे होर विचारां लई सबसक्राइब करो सरबसुख फिल्म्स।